Jagadguru Srila Prabhupada ki. Nitai Gaur Premanande. Sabhi upasthit bhakt jano ko sadar pranam karta hu. साथ में गुरु प्रणाम करेंगे. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम् चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायाम् स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः नामने गौरत्वशे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कलम कृष्ण जन्म की कथा कर रहे थे कैसे वासुदेव जी भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद उनको गोकुल धाम ले गए
और वहाँ उनको नंद बाबा के घर छोड़कर उनके घर में जो छोटी बच्ची के रूप में देवी योग माया ने जन्म लिया था उसे वापस मथुरा ले आए और कैसे देवी योग माया ने कंस के हाथ से छिटक कर कंस को चेतावनी दी। मेरे प्रिय भाई इतने अत्याचारी मत बनो, आपने आपने पहले ही मेरे पुत्रों को मार दिया है। ये तो एक लड़की है, कम से कम इसे तो मत मारो। कंस ने देवकी का कहना नहीं माना, उसने लड़की को दोनों टांगों से पकड़कर पत्थर पर दे मारा। ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो योग माया थी और पत्थर पर पड़ते ही आठ भुजाओं वाली देवी के रूप में सामने आ गई। ओ बेवकूफ कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि इस तरह अबोध बच्चों की जान मत ले, ये अमानवीय व्यवहार बंद कर दे। मथुरा में योग माया और गोकुल में बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण, जन्म का महोत्सव मनाया गया, भगवान को अभिषेक कराया गया, जैसे अभी भी यहाँ चल रहा है, लड्डू गोपाल का अभिषेक, और रात को 10 बजे वहीं पे राधा कृष्ण का अभिषेक भी होगा। नंद बाबा ने अपने पुत्र के खुशी में खूब दान बांटा, लाखों गैया, कीमती वस्तुएं, सब तरीके का दान अपने पुत्र की खुशी के लिए दिया गया। ये वैदिक रीति है, जब घर में परिवार में कोई नई आत्मा आती है या जाती है, दोनों समय उस आत्मा के निमित्त दान किया जाता है। जो कोई भी उसके कर्म है उनकी शुद्धि के लिए, कोई भी आत्मा अपने कर्म साथ में लेके आती है, उस कर्मों की जो फल है उसकी शांति हो, इसलिए उसके नाम में दान दिया जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ तो स्वयं भगवान के जन्म की बात चल रही है, लेकिन वैसे ये वैदिक रीति है जो सबको अप्लाई करती है। किसी का भी जन्म, किसी का भी मृत्यु एक भले परिवार में हो तो, और किस तरह से इस उत्सव को भगवान के जन्म के समय मनाया गया आपके सामने। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का शाम रे। मोर पंख माथे पे चढ़ा और होठों पर मुस्कान रे, रास रचाए बंसी बजाए वो राधा का शाम रे। खेल खेल में जीतेगा वो पाप का हर संग्राम रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। गोपाला कान्हा और घनश्याम रे, नारायण हरि बोल मुकुंदा संगता हो बलराम रे। खेल खेल में चूर करेगा झूठा हर अभिमान रे, हर दिल हर
हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। जमुना किनारे कान्हा गैया चराता है, गोकुल को प्रीति की धुन पे नचाता है, दंभियों घमंडियों को सबक वो सिखाता है, पापियों को दानवों को धूल में मिलाता है, चोर है चित चोर है वो माखन चुराता है, उंगली पे अपनी गोवर्धन उठाता है। भगवान के गोकुल में जन्म के पश्चात कुछ ही दिनों में उनके नामकरण का प्रबंध किया गया। नंद बाबा के राज पुरोहित, उनका नाम था शांडिल्य और उनकी पत्नी पूर्णमासी। ये पूर्णमासी भी योग माया है और महर्षि शांडिल्य जो नंद बाबा के राज पुरोहित थे, उन्होंने नंद बाबा को बताया कि ये बालक वास्तव में वासुदेव का है और मैं वासुदेव जी का कुल पुरोहित नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं इस बालक का नामकरण संस्कार करूं। इसके लिए हमें मथुरा से गर्ग मुनि को, गर्गाचार्य को बुलाना होगा और कहीं कंस को पता नहीं चल जाए कि गर्गाचार्य वास्तव में कृष्ण का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल गए थे, इसलिए गुप्त रीति से गौशाला में यह नामकरण की रीति का अनुष्ठान किया गया और गर्गाचार्य ने भगवान को नाम देते हुए कहा कि वही स्वयं भगवान कृष्ण जो सब अवतारों के अवतारी हैं, स्वयं भगवान विष्णु भी इनसे प्रकट होते हैं, इनका नाम हमेशा से कृष्ण ही है, मैं इनको और कोई नाम नहीं दे सकता, इस समय ये अपने पूर्ण रूप में कृष्ण रूप में जो इनका ओरिजिनल स्वरूप है उसमें प्रकट हुए हैं अपने भाई बलराम के साथ, तो मैं इनका नाम कृष्ण और बलराम रखता हूं। बोलो कृष्ण बलराम की। कृष्ण और बलराम गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के प्रेम से पल बढ़ रहे थे और थोड़ा बहुत कुछ नटखट माखन चोरी वगैरह की लीला आपको बताई, लेकिन और भी बाल स्वरूप में जैसे ही कंस को पता लगा, क्योंकि योग माया ने स्वयं प्रकट होकर उनको बताया था कि तेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, तो कंस ने भगवान के पास
पूतना को भेजा कि जाओ और उस बालक की हत्या कर दो, और भी जितने भी बालक कोई मिले हमारे सारे राज्य में 10 दिन के अंदर जन्मे सब बालकों का वध कर दो। पूतना एक बहुत सुंदर सा स्वरूप धारण करके नंद बाबा के घर गई और उसने जाके बताया कि उसके स्तनों से अमृत झड़ता है, इसलिए अगर जो माता यशोदा अपने बालक को एक बार उसका स्तनपान करने दें तो ये बालक अमर हो जाएगा। वास्तव में पूतना अपने स्तनों पे कालकूट नाम का जहर लगा के आई थी, लेकिन भगवान ने उसका मातृत्व स्वीकार कर लिया, उसका स्तनपान भी किया और उसका साथ के साथ में उद्धार भी कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये पूतना एक बहुत सुंदर स्वरूप में भगवान को दूध पिला रही। जी सर के दूध पियो मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे छोड़ो, बचाओ, ने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी भारी भरकम का आया गोकुलवासियों के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए रह गई। इतनी बड़ी चिता भी नहीं जला सकते थे जितनी बड़ी उसकी काया थी, इसलिए उसकी काया को काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी चिता जलाई गई। लेकिन एक बहुत अद्भुत कार्य हुआ कि जैसे जैसे पूतना के शरीर को जलाया गया, उसके शरीर में से, उसकी अग्नि में से दुर्गंध निकलने के बजाय एक बहुत सुंदर सुगंध पूतना के शरीर में से निकल रही थी। महर्षि शांडिल्य ने बताया कि यह पूतना कोई आम जीव नहीं थी, ये युगों पहले महाराज बलि की बहन के रूप में जन्म लिया था। जब महाराज बलि 100 यज्ञ कर रहे थे और 99 यज्ञ के बाद वामन देव वहाँ पहुँचे 3 पग भूमि मांगने के लिए, उस समय जब
भगवान वामन देव के रूप में यज्ञशाला की तरफ जा रहे थे, तो ये बाली की बहन उसकी भगवान को देखकर उसके मन में एक इच्छा हुई कि ये बालक कितना सुंदर है, इतना आकर्षक है, अगर मेरा भी एक ऐसा बालक हो कभी तो बहुत अच्छा होगा। भगवान को साक्षात सामने पाकर उसने जो कामना की, ना जानते हुए भी कि ये स्वयं भगवान है, भगवान ने मन ही मन उसको तथास्तु कह दिया और उसको अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया कि तेरी इच्छा है कि तुझे तू मुझे मातृत्व प्रदान करना चाहती है, सो बी इट, तू किसी जन्म में मेरी माता बन जाना। जब महाराज बलि ने पूछा वामन देव को कि भगवान आप क्या दान चाहते हैं, श्री वामन देव रूप में भगवान ने बताया कि मुझे केवल 3 कदम भूमि, केवल इतना ही चाहिए। महाराज बलि जो उस समय 3 लोकों के राजा थे, उन्होंने बलि महाराज से कहा कि आप केवल 3 पग भूमि, मेरे जैसे महान राजा से इतना छोटा सा दान, 3 पग भूमि मांगकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं। आज आप बाली के सम्मुख खड़े हैं, इतना मांग लो कि कभी और जीवन में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े, सारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो भगवान वामन देव ने बाली से पूछा, तू 3 लोकों का राजा है, सब कुछ आधिपत्य तेरे पास है, उसके बाद तेरी इच्छाएं पूरी हो गई, तेरा लोभ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, नहीं हुआ ना, इसलिए लोभ कभी भी किसी का समाप्त नहीं होता। मुझे 3 पग भूमि से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जब महाराज बलि मान गए तो वामन देव जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। उनका आकार बढ़ता देख के सबको समझ में आने लगा कि शुक्राचार्य की बात ठीक थी, ये स्वयं विष्णु है जो महाराज बलि का सब कुछ वापस लेने के लिए आए हैं। जब बाली की बहन ने भगवान का वो स्वरूप देखा तो उसको बहुत बुरा लगा कि इन्होंने छल किया है, और उसके मन में ऐसा विचार आया कि ऐसा पुत्र अगर कहीं मेरे हो जाए तो मैं उसको अपने स्तन में
जहर लगा के मार डालना प्रेफर करूंगी। भगवान ने उसके मन की वो इच्छा सुन के भी उसको तथास्तु कह दिया कि ठीक है, तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी, तू दोनों इच्छाएं पूरी कर लेना। भगवान ने दो पगों में तीन लोक नाप दिए और फिर महाराज बाली से पूछा कि अब तुमने मुझे तीन पग भूमि देने का वादा किया था, दो पग में मैंने तुम्हारा सारा राज्य तीनों लोक नाप लिए, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? दो पग भूमि लेते ही वामन देव भगवान सारे संसार के राजा हो गए और उन्होंने बाली को अरेस्ट कर लिया। ये आपके सामने बाली के सिंहासन पे वामन देव विराजमान है और आगे लाल कपड़ों में महाराज बलि को अरेस्ट कराया हुआ है भगवान ने। तो बलि ने कहा, महाराज मैंने आपको तीन पग भूमि देने का प्रॉमिस किया था, वचन दिया था, दो पग भूमि में आपने मेरा सारा साम्राज्य नाप लिया, मैंने अपने आप को कभी आपको दान में नहीं दिया, इसलिए तीसरा पैर मेरे सर पे रख लो। भगवान बलि की वचनबद्धता, कर्तव्य परायणता और धर्मपालन से प्रसन्न हो गए। ये वामन देव जी आपके सामने महाराज बलि से प्रसन्न होते हुए। ये जो कलयुग है, कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका या इस मनुष्य देह को, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने का तरीका हरि नाम संकीर्तन है। सब म्यूजिशियन स्टेज पे आ जाएं। Krishna, Sri Krishna.
Thank you.